भारत माता की। अरे भाई ऐसे नहीं, ज्यादातर युवा है। मोदी जी आज चीन पहुंचने वाले, उनको मालूम पड़ना चाहिए लखनऊ में आज भाजपा वाले इकट्ठा हुए हैं। जोर से बोलेंगे, परिवर्तन के संकल्प के साथ बोलेंगे, गुस्से के साथ बोलेंगे, आक्रोश के साथ बोलेंगे, दोनों हाथ खड़ा कर मुट्ठी भींच कर जरा जोर से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित, बैठ जाएंगे, चिंता मत करो, सब बैठ जाएंगे, अभी थक जाएंगे यार फोटो ले लेकर। मंच पर उपस्थित, अरे यार बोलने भी दो, नारा ही लगाते रहोगे। मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनके कंधों पर उत्तर प्रदेश के चुनाव का भार है, ऐसे राज्यसभा के सांसद, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री ओम जी माथुर जी, लखनऊ के प्रथम नागरिक, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान दिनेश शर्मा जी, भारत सरकार की कॉमर्स मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उत्तर प्रदेश के ही सालों से अपना मीडिया का काम, देश भर के मीडिया के काम देख रहे हैं, भाजपा के राष्ट्रीय सचिव श्रीमान श्रीकांत शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री श्रीमान सुनील बंसल जी, आज जिन्होंने इस वर्कशॉप को आयोजित किया है, ऐसे श्री अमित मालवीय जी, मंच पर बैठे हुए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेतागण, और आज उत्तर प्रदेश के कोने से आए हुए प्यारे साइबर योद्धाओं, आज जमाना बदल चुका है। एक जमाना था कि कोई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था या प्रेस नोट देता था तो टेंशन रहता था कि टीवी वाले दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, अखबार वाले छापेंगे या नहीं छापेंगे। अब नेताओं को टेंशन नहीं होता है, अच्छा बुरा जो बोलते हैं कुछ सेकंडों में गांव के अंतिम छोर तक पहुंच जाता है, और वो पहुंचाने वाली पूरी हनुमान सेना मेरे सामने बैठी हुई है। तो मित्रों, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, नरेंद्र मोदी सरकार की सिद्धियां और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जो एजेंडा लेकर आगे बढ़ने वाली है, वो एजेंडा को उत्तर प्रदेश के अंतिम से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की जिम्मेदारी है मित्रों। इसलिए मैं मानता हूं कि नेताओं का संदेश हो, सरकारों के काम हो या विपक्ष की विफलता हो, इस सब को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है।
और आपको ये मालूम होना चाहिए मित्रों, चुनाव के अंदर जब तक हमारी बात लोगों तक नहीं पहुंचती है तब तक हम लोगों को अपने पक्ष में नहीं कर सकते हैं। हमारी बात लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए आज ये सोशल मीडिया के सारे कार्यकर्ताओं की जो वर्कशॉप है इसको चुनाव में मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। मित्रों 1912 से 2012 से मेरा उत्तर प्रदेश से एक अजीब प्रकार का जुड़ाव हो गया है। पार्टी ने मुझे महासचिव बनाया, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी और बाद में 2014 में चुनाव आया। 2014 में एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला देश की जनता ने किया। 30 साल के बाद देश की जनता ने एक पूर्ण बहुमत की सरकार चुनने का काम किया मित्रों। और आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत देने का काम किया। अपने नेता श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के हाथ में पूर्ण भरोसा कर इस देश की बागडोर सौंप दी और आज पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार करीब करीब 2.5 साल से चल रही है। मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है मित्रों कि पूर्ण बहुमत से जो सरकार हमारी चल रही है इसका श्रेय, इसका अभिनंदन अगर किस एक राज्य की जनता को देना है तो आंख मूंद कर उत्तर प्रदेश की जनता को देना है। क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश की जनता 80 में से 73 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में न डालती तो पूर्ण बहुमत की सरकार न आती, लंगड़ी सरकार पहले जैसी होती। आज मोदी जी पूरे देश के अंदर विकास की यात्रा को जो गति दिए हुए हैं, देश का जो दिशा दर्शन कर रहे हैं, मक्कमता के साथ अपने विचारों को धरातल पर ले जाते हैं, उसमें किसी का हिस्सा है तो उत्तर प्रदेश की जनता और भाजपा के कार्यकर्ता। इसलिए आज इस समिट के माध्यम से, इस सभागार में बैठे हुए सारे साइबर योद्धाओं के माध्यम से मैं अनेक बार कहने के बाद भी ये मोह नहीं छोड़ सकता कि मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते उत्तर प्रदेश की जनता को सत सत नमन करना चाहता हूं। आज वैसे ये समिट तो बुलाई गई है उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारी के लिए, मगर मित्रों अभी अभी 2 दिन पहले अखिलेश जी हाथ में लिखा हुआ कुछ रखकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और पढ़ रहे थे कि मोदी जी ने 2.5 साल में क्या किया, मोदी जी इसका हिसाब दे, 2.5 साल में कुछ नहीं हुआ, जनता ने इतना बड़ा अधिकार दिया, देश में क्या हुआ। अरे अखिलेश बाबू, चुनाव तो 2017 में उत्तर प्रदेश का आने वाला है। हम 2019 में जब आएंगे एक एक वोट का हिसाब लेकर आएंगे और हिसाब देंगे भी। अभी बारी है आपकी 5 साल का हिसाब देने की, और आप तो दोगे नहीं
मगर मैं मांगूंगा जरूर हिसाब आपसे आज इस अधिवेशन के अंदर। मगर अखिलेश जी, ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है कि जहां जहां जनादेश मिलता है वहां पर जनादेश के जवाब में हमने जो किया है, जो जिम्मेदारियों का वहन किया है, जन कल्याण के लिए जो किया है वो हम जनता के लिए लेकर जाते हैं। और अखिलेश जी, अगर कान खुले हैं, बहरे नहीं हुए हैं तो सुन लीजिए, 2.5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने जो किया है वो आप और आपकी साथी कांग्रेस पार्टी मिलकर 70 साल में नहीं कर सके, वो हमने 2.5 साल में किया। मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश की जनता को याद कराना चाहता हूं कि 2014 में जब चुनाव आया तब देश में क्या माहौल था। चारों ओर हताशा फैली हुई थी, चारों ओर निराशा फैली हुई थी, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, देश की सीमा की रक्षा करने वाले जवानों के सर काटकर अपमानित किए जाते थे, युवाओं को रोजगारी नहीं मिली थी, हर रोज आए दिन बलात्कार की घटनाएं होती थी, देश का अपमान दुनिया में हर जगह पे होना रोज की बात हो गई थी, पूरा देश हताशा के औथार के अंदर घुसा हुआ था। तब 2014 के चुनाव आए थे मित्रों, और मित्रों 2014 के चुनाव के अंदर इस देश की जनता ने फैसला किया कि नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी को शासन का अधिकार दे दिया जाए। अबे अखिलेश बाबू और बहन जी, दोनों रोज हमसे हिसाब पूछ रहे हैं, रोज हिसाब पूछ रहे हैं। दोनों रोज हिसाब पूछ रहे हैं कि बताओ भाई क्या हुआ, बताओ भाई क्या हुआ। मैं उनका हिसाब बाद में पूछता हूं, पहले हमारा हिसाब दे देता हूं, दे दूं ना ठीक से। ये हमें पूछते हैं कि क्या किया, ये सपा, ये बसपा, ये कांग्रेस तीनों ने मिलकर 10 साल तक देश में राज किया है, उत्तर प्रदेश की सरकार, जनता झांसे में न रहे कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, सपा और बसपा दोनों का समर्थन 10 साल तक के कांग्रेस पार्टी को मिला है मित्रों, 10 साल तक। इसलिए जो यूपीए की सरकार चली केंद्र में उसके लिए जितनी कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है उससे ज्यादा ये सपा और बसपा जिम्मेदार है। मित्रों, किसी आदमी का पैर अगर नहीं होता है और इसके हाथ पास से दोनों कांख घोड़ी जो कहते हैं ना बगल में लगा कर, क्या कहते हैं उसको, बैसाखी निकाल ले तो चल पाएगा क्या? ये कांग्रेस सरकार की दो बैसाखियां थी, सपा और बसपा। 10 साल तक ये जो सरकार चली इसने जितने भी पाप किए इसके लिए सपा बसपा जिम्मेदार है, आप भाग नहीं सकते हो, आप भाग नहीं सकते हो। और हमें पूछते हो कि क्या किया। भैया, हमने तो सबसे पहले बोलने वाला प्रधानमंत्री देने का काम किया। 10 साल तक देश में 10 साल तक प्रधानमंत्री की आवाज ये मां बेटे के अलावे किसी ने सुनी ही नहीं थी। सबसे पहला काम बोलने वाला प्रधानमंत्री देने का किया है
अखिलेश बाबू हमने दूसरा काम किया है, निर्णायक सरकार दी है। हर समस्या के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फैसले किए हैं, हर समस्या के लिए फैसले किए हैं, चाहे वो बेरोजगारी की हो, सीमाओं को सुरक्षित करने की हो, गरीब के घर में सुख पहुंचाने की बात हो, हर समस्या के लिए फैसले करने वाली सरकार करी। आपकी सरकार कैसे चलती थी? सरकार ऐसे चलती थी मित्रों कि हर मंत्री अपने विभाग का प्रधानमंत्री बन गया था और प्रधानमंत्री को बेचारे को कोई प्रधानमंत्री ही नहीं मानता था। अभी आपके यहाँ है ना, अभी यूपी में है, मालूम ही नहीं पड़ता मुख्यमंत्री कौन है, मालूम ही नहीं पड़ता। अभी आप सब बता दोगे, बताइए यूपी में कितने मुख्यमंत्री है भाई, कितने मुख्यमंत्री है? ऐसी ही सरकार वहां चलती थी, कोई निर्णय नहीं होते थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर मंत्री अपना फैसला करने के लिए स्वतंत्र है और हर मंत्री पर प्रधानमंत्री जी का गाइडेंस, उनका मार्गदर्शन उपलब्ध है। ऐसी सरकार हमने दी। तीसरा, हमें पूछ रहे हो अखिलेश बाबू कि हमने क्या दिया? अरे भाई, आपके समर्थन से जो सरकार वहां चली वो घपलो घोटालों की सरकार थी, घपले घोटालों की सरकार। 12 लाख करोड़ के घोटाले हुए थे, 12 लाख करोड़ के। और एक मोदी जी का नारा कहीं से सोनिया जी सुन गई थी, एक नारा है समान विकास होना चाहिए, मोदी जी ने दिया है ना सबका साथ सबका विकास, वो नारा सोनिया जी सुन गई थी कहीं पर। तो उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार करने में समानता रखी थी। अरे हंसिए मत भाई, मैं समझाता हूं कैसे समानता रखी थी, बताऊं मैं? देखे सोनिया मनमोहन की सरकार, ये सपा बसपा से बैसाखी वाली सरकार, उसने कैसे चलाई? सबसे पहले पृथ्वी के अस्तित्व में क्या आता है, अंतरिक्ष आता है, वहां इसरो का घोटाला कर दिया, 2G का घोटाला अंतरिक्ष में कर दिया। बाद में क्या आता है, नभ आता है, आकाश आता है, वहां वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला कर दिया, एयर इंडिया के विमान खरीदने का घोटाला कर दिया। बाद में क्या आता है, भूमि आती है, तो भूमि पर CWG का घोटाला कर दिया, आदर्श सोसाइटी का घोटाला कर दिया। बाद में क्या आता है, समुद्र आता है, आता है ना समुद्र, समुद्रों में सबमरीन का घोटाला कर दिया। उसके बाद में क्या आता है, पाताल आता है, वहां पर कोयले की खदानों का घोटाला कर दिया। एक समान तरीके से अंतरिक्ष, आकाश, जमीन, समुद्र, पाताल, सब जगह घोटाले ही घोटाले किए थे। और मित्रों, मैं नहीं मानता कि बहन जी और अखिलेश जी इतने भोले हैं कि मुफ्त में कोई समर्थन दिया होगा। आप मानते हैं? बताइए, आप मानते हैं? 10 साल का समर्थन, ये 12 लाख करोड़ के घोटालों के बाद में भी समर्थन कोई मुफ्त में देता है क्या? उत्तर प्रदेश की जनता समझेगी या नहीं समझेगी? नहीं समझेगी तो आप समझाओगे या नहीं समझाओगे? ते भ्रष्टाचार वाली जो सरकार थी अखिलेश बाबू, वो सरकार की जगह हमने ऐसी सरकार चलाई है, 2.5 साल होने को आए, हमारे विरोधी भी हम पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा पाए। हमने पारदर्शी सरकार देने का काम किया। अखिलेश बाबू, हमारा क्या हिसाब मांगती है बहन जी, आप अपना गिरेबान झांक कर देखो टिकटों में। कार्यकर्ता जो टिकट मांगने आता है उसके भी दाम आपने तो तय कर दिए हैं। इसलिए बिचारे
वहां से छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। मित्रों, मित्रों, अरे भैया हो गया हो गया। मित्रों, बहुत सारे काम किए नरेंद्र मोदी सरकार ने, मगर मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूं कि सरकार किस तरह से काम करती है और कोई व्यक्ति सोच समझकर काम करता है तो उसके परिणाम क्या आते हैं। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार बनने के साथ ही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही मोदी जी ने जन धन बैंक अकाउंट की योजना शुरू की। 67 साल के शासन के बाद 60 करोड़ परिवार ऐसे थे, एक गरीबों की दुहाई देने वाली कांग्रेस पार्टी, सपा और बसपा, इनका राज रहने के बाद 60 करोड़ परिवार ऐसे थे जिनके घर में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। मित्रों, एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। जनधन योजना बनाने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने 21 करोड़ बैंक अकाउंट गरीबों के खोलने का काम किया है। मित्रों, 21 करोड़ आज वो गरीब का अर्थतंत्र के साथ जुड़ाव करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने समाप्त किया है। और ये पेट्रोलियम एंड गैस मंत्रालय है, वो मंत्रालय बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए जाना जाता था। जाना जाता था ना भाई? जाना जाता था या नहीं? नरेंद्र भाई ने उसका उपयोग कैसे हो सकता है जन कल्याण के लिए, इसका एक उदाहरण बनाया। मित्रों, सबसे पहले सारे गरीबों के जनधन के माध्यम से बैंक अकाउंट खुले, और उसके बाद में नरेंद्र भाई पहल योजना लेके आए, सुशासन की एक पहल नरेंद्र भाई ने की। और क्या करी पहल? जो गैस की सब्सिडी थी वो गैस के एजेंसी वाले के पास पहुंचती थी, उसकी जगह सीधा जो गैस का उपभोक्ता है उसके पास पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। पहले इतने सारे फर्जी गैस कनेक्शन होते थे, सरकार सब्सिडी तो गरीब के लिए देती थी, गैस का सिलेंडर 5 सितारा होटल में अमीरों का खाना बनाने के लिए चले जाते थे, अब सीधा उपभोक्ता के पास पहुंचाने के बाद क्या हुआ? 14,900 करोड़ रुपए की सब्सिडी बच गई, क्योंकि वो फर्जी जो उपभोक्ता थे वो रजिस्टर से निकल गए। 14,900 करोड़ का भ्रष्टाचार नरेंद्र मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने एक साथ एक ही निर्णय से समाप्त कर दिया। उसके बाद में वहां से अटके नहीं, उन्होंने एक अपील की कि भाई जो लोग संपन्न है, जो सुखी है, उन्होंने सब्सिडी नहीं लेनी चाहिए। और बाद में उनकी अपील हुई, गिव इट अप कर एक योजना लाए। मित्रों, हम भारत के जनमानस को 60 साल में इस तरह से बनाया गया है, एक एसटी जो स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस होती है, इसमें आप ट्रैवल करेंगे, आपकी सीट खाली होगी, आगे की सीट भी खाली होगी, मगर कोई जाकर आपकी सीट पर पास में बैठ जाएगा तो आप सोचोगे कि यार ये आगे क्यों नहीं बैठा है, यहाँ क्यों बैठा है। खाली सीट पर कोई बैठता है तो भी हमें थोड़ी तकलीफ होती है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप गैस की सब्सिडी छोड़ दो, तकलीफ दे बात है ना भैया, है या नहीं ये बताओ। लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बार हिम्मत करी थी इस देश में, जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई और अमेरिका ने दबाव डाला लड़ाई बंद करने के लिए कि हम गेहूं चावल नहीं भेजेंगे, शास्त्री जी ने देश को एक अपील की थी कि देश का हर परिवार सप्ताह में एक बार खाना छोड़ दे तो हमें गेहूं चावल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस देश ने गेहूं चावल खाना छोड़ दिया था एक दिन के लिए, और युद्ध हम जीत गए थे। मित्रों, शास्त्री जी के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी ऐसा नेता आए हैं जिन्होंने इस तरह की अपील की कि आपके पास अगर पैसा है तो सब्सिडी छोड़ दो, गरीब के लिए छोड़ दो। मित्रों, और आज मुझे आपके सामने कहने में गौरव है, मित्रों, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपनी गैस की सब्सिडी छोड़ दी है।
तो 14,900 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार का समाप्त किया, उसके बाद में गिव इट अप से 1 करोड़ लोगों की सब्सिडी बचाई, और वो पैसे का क्या किया, खजाने में नहीं डाला, गरीब के घर में गैस पहुंचाने का काम करने के लिए उज्ज्वला योजना बनाई। आप सोचिए मित्रों, यहां पर तो उस प्रकार की गरीबी का कोई युवा दिखाई भी नहीं पड़ता है। एक गरीब माँ अपनी झोंपड़ी में कंडे जलाती है, लकड़ी जलाती है, सिगरेट पीने की आदत न होने के बावजूद भी 400 सिगरेट जितना धुआं उसके शरीर में, फेफड़े में हर रोज जाता है, बीमार होकर मृत्यु से पहले ही मौत के शरण में जाती है। एक बच्चा अपना पुस्तक पढ़ता है, वो धुआं पीता है, एक बूढ़ा बाप घर में पड़ा है, जगह नहीं है, वो भी धुआं खाता है, वो घर में नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला के माध्यम से गैस पहुंचाकर धुआं दूर करने का काम किया है। और मित्रों, एक नहीं, दो नहीं, 1 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 2018 तक 5 करोड़ लोगों के घर में गैस पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है, और उत्तर प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा लोगों को गैस पहुंचाने का काम समाप्त हो चुका है। इसको कहते हैं मित्रों, गरीब के घर से निकला हुआ आदमी अगर प्रधानमंत्री बनता है तो गरीब के लिए जो संवेदना होती है उसी में से ये योजना बनकर निकलती है। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है, सिर्फ अखिलेश बाबू इसने हमें कह रहा है। अब राहुल बाबा भी उनके साथ सुर में सुर पुराते हैं, वो भी पूछते हैं, अभी अभी वो, अरे सुनो यार, सुनो सुनो, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं बोलना नहीं चाहता, जानता हूं। अब वो भी यात्रा लेकर निकलने वाले हैं, वो भी पूछते हैं मोदी जी ने क्या किया। अरे राहुल बाबा, हमने तो किया है, पहले तो भाषण होते थे, हम देखेंगे, हम सोचेंगे, हम करेंगे। आपको मालूम है कौन ऐसा भाषण करता था? जरा जोर से बोलिए, जरा जोर से बोलिए, ये देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे वाली सरकार नहीं है, कर कर दिखाया ये सरकार है मित्रों, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। मैं यहां कोई बात ऐसी बताने नहीं आया जो हम करेंगे, सोचेंगे, देखेंगे हो, मैं वही बात बताने आया हूं जो हमने कर दिया है मित्रों। हमने गांव और शहर दोनों का विकास किया है, हमने कृषि और उद्योग दोनों का विकास किया है, गांव की सड़क भी बनाई है, एक्सप्रेस हाईवे भी बनाए हैं मित्रों। एक सर्वस्पर्शीय, सर्व प्रादेशिक, सर्व समावेशक विकास का एक मॉडल कैसा हो सकता है, वो नरेंद्र भाई ने यहाँ पर दिया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं, मैं इसकी डिटेल में बहुत जाना नहीं चाहता, मगर नहीं भी कहूँगा तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि अखिलेश बाबू ने पूछा है कि 2.5 साल में क्या हुआ, तो इसलिए अखिलेश बाबू कान खोलकर सुन लो, ये नरेंद्र मोदी सरकार हर 15 दिन में एक इनिशिएटिव लेकर आई है, हर 15 दिन में गरीब की योजना लेकर आई है, और इसने काम ऐसे किया है कि योजनाएं जमीन तक पहुंचती है। उज्ज्वला योजना करी तो 30 लाख महिलाओं को उत्तर प्रदेश के अंदर गैस देने का काम समाप्त कर दिया। मित्रों, हर 15 दिन में एक योजना बनाई है, मैं कुछ नाम पढ़ता हूं, आप थक जाइएगा तो कहिएगा, वरना मैं पढ़ता रहूंगा, मैं जरा पढ़ता हूं, सुनिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना। अरे सुनो यार, सुनो अभी, अरे अभी सुनो भाई, मेरे पास अखिलेश बाबू आपकी तरह वादे नहीं है, पूरी योजनाओं की सूची है, मैं पढ़ने जाऊंगा तो 7 दिन की भागवत सप्ताह यहां बिठानी पड़ेगी, मेरी सूची समाप्त नहीं हो जाएगी। मित्रों, ये नरेंद्र मोदी सरकार है,
जिसने कर कर दिखाया है मित्रों, इतनी सारी योजनाएं बनाई है जिसको करने में कोई सरकार को 60 साल लगे, इतने काम कर दिए हैं मित्रों। सिर्फ सरकारी योजनाएं नहीं, नमामि गंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत, कई प्रकार की ऐसी सामाजिक बुराइयों के सामने भी ये नरेंद्र मोदी सरकार ने एक लड़ाई लड़ी है मित्रों, लड़ाई लड़ी है। आप कल्पना करिए, आप कल्पना करिए, समाज में बेटियों की संख्या घटती जाएगी तो क्या होगा। नरेंद्र भाई ने इसके लिए चिंता व्यक्त करी है कि बेटी को कोख में मत मारिए, उसको पैदा होने दीजिए। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की, हरियाणा का जो सेक्स रेशियो 800 के नीचे था आज 950 तक पहुंचने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मित्रों इसी तरह से स्वच्छ भारत अभियान, 125 करोड़ के देश में स्वच्छता के न होने के कारण कई लोग बीमार पड़ते हैं, और सबसे ज्यादा कौन बीमार पड़ता है, गरीब पड़ता है। मैं यहां पर बैठे हैं ना, सबको कहता हूं, आपका कोई छोटा बेटा है या आपके भाई का बेटा है, बहन का बेटा है, उसके एक बार लेकर रोड पर निकलेगा और एक टॉफी खाकर छिलका वहां डालिएगा, तरत कहेगा चाचा कचरा पेटी में डालिए, एक अच्छा नहीं है। 125 करोड़ के देश को स्वच्छता के संस्कार से संस्कारित करने का काम मित्रों नरेंद्र मोदी ने किया है। मित्रों 68 साल तक देश की सीमाओं पर लड़ने वाला जवान, उसको वन रैंक वन पेंशन नहीं मिलता था, वो अपना हाथ फैलाकर हर सरकारों से मांगता रहा। नरेंद्र मोदी सरकार ने एक साल के अंदर 68 साल से जो नहीं हुआ था वो कर दिया, आज देश का जवान गौरवान्वित है। विदेश नीति, देश की विदेश नीति कैसी हो, आपके समर्थन से अखिलेश बाबू, बहन जी जो सरकार चलती थी, मनमोहन जी दुनिया भर में नरेंद्र मोदी जी से भी ज्यादा जाते थे, मगर किसी को मालूम ही नहीं पड़ता था। मनमोहन सिंह जाते थे और आते थे, किसी को मालूम ही नहीं पड़ता था, क्योंकि हाथ में एक अंग्रेजी में टाइप किए हुए दो पन्ने लेकर वो जाते थे, और जहां जाते थे वो दो बन्ने पन्ने पढ़कर वापिस आ जाते थे, कई बार तो पन्ने भी बदल जाते थे, मलेशिया का थाईलैंड में पढ़ते थे और थाईलैंड का मलेशिया में पढ़ते। आज नरेंद्र भाई, आज देश का प्रधानमंत्री चाहे नेपाल जाए, भूटान जाए, लंका जाए, मॉरिशस जाए, अमेरिका जाए, जापान जाए, जर्मनी जाए, इंग्लैंड जाए, रशिया जाए, चीन जाए, हजारों हजारों का हुजूम नरेंद्र मोदी के स्वागत के अंदर विदेश की धरती पर इकट्ठा होता है। और मेरी बात सुनकर रखे मित्रों, ये नरेंद्र मोदी का जो स्वागत विदेश की धरती पर हो रहा है वो स्वागत नरेंद्र मोदी का स्वागत नहीं है, वो स्वागत भारतीय जनता पार्टी का स्वागत नहीं है, वो स्वागत देश की 125 करोड़ जनता का स्वागत है। नरेंद्र मोदी ने देश का सर ऊंचा करने का काम किया है, आज भारत को देश की अग्रिम पंक्ति में रखने का काम नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया है। अटल जी की सरकार थी तब लगता था 21वीं सदी भारत की सदी होगी, 10 साल मौनी बाबा की सरकार चली, 10 साल चली, 10 साल में विदेशी बोलने लगे, भारत की विकास की गाथा समाप्त हो गई है। 2 साल नरेंद्र मोदी रहे, आज पूरी दुनिया मानती है 21वीं सदी हिंदुस्तान की सदी है मित्रों, ये पूरी दुनिया मानती है। ये विदेश नीति इस प्रकार के लिए, एक नई रक्षा नीति का नरेंद्र भाई ने शुरुआत की। विदेश नीति के अंदर भी ट्रेड एंड कल्चर, व्यापार और संस्कृति को स्थान दिया, और रक्षा नीति के अंदर हम शांति तो चाहते हैं मगर हमारी सीमाओं के साथ अतिक्रमण नहीं करेंगे। थोड़ी थोड़ी हिम्मत पाकिस्तान ने दिखाई, आज देने के लेने पड़ गए हैं, बलूचिस्तान संभलता नहीं है, आज देने के लेने पड़ गए हैं।
बलूचिस्तान उनसे संभलता नहीं है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर संभलता नहीं है। मित्रों, उनको भी मालूम पड़ गया है यहां नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रभक्त सरकार है, उनको भी मालूम पड़ गया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने कई सारे काम करे हैं, मित्रों बहुत सारे काम किए हैं, मगर मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा। मित्रों, जो भारत सरकार है वो भारत सरकार कितना भी काम करे मगर उत्तर प्रदेश तक कुछ नहीं पहुंचेगा। आप ऐसा मत मानिए कि मैं जिम्मेदारी से भागने की बात कर रहा हूं, जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की भी है, भारतीय जनता पार्टी की ही है, मगर मैं आपको स्थिति बताना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना करी, देश भर के किसानों को उसका फायदा भी मिला। हमारे गुजरात में थोड़ा सूखा पड़ा, बीज जल गया, तो आज गुजरात में उसका सर्वे होकर किसानों को इंश्योरेंस मिलने लगा। आप मुझे बताओ उत्तर प्रदेश में मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि सुनो भैया, इसलिए नहीं मिलेगा कि अखिलेश सरकार ने बीमा निकालने में, प्रीमियम भरने में ही देरी कर दी, इसलिए किसानों को प्रीमियम बीमा नहीं मिलेगा। चाचा भतीजा झगड़ते रहे, किसान बेचारा बीमे के बगैर बैठा रहा। इस प्रकार की सरकार ये अखिलेश बाबू चलाते हैं और हमें हिसाब पूछते हैं। मित्रों, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ी संभावनाओं वाला प्रदेश है। मैं ऐसे देश से प्रदेश से आता हूं जहां 1200 फुट नीचे से पानी निकालना पड़ता है और उबड़ खाबड़ जमीन है, भूमि उबड़ खाबड़ है, पहाड़ है, रेगिस्तान है, अकाल पड़ता है। आ उत्तर प्रदेश के अंदर माँ गंगा और जमुना की मेहरबानी है। मित्रों, 100 फुट नीचे चले जाओ पानी निकलता है, किलोमीटरों तक एक लेवल के गंगा जमुना के मैदान दिखाई पड़ते हैं। मेहनत कश युवा है, दुनिया में कहीं पर भी चले जाओ, देश में कहीं पर भी चले जाओ, वो प्रदेश के विकास के नीचे जाएंगे तो उत्तर प्रदेश के युवा के पसीने की महक दिखाई पड़ेगी। मित्रों, महक दिखाई पड़ेगी, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, कर्नाटक हो, दिल्ली हो, सबके विकास की नींव में यूपी के युवा के पसीने की महक है। आप खुश हो रहे हैं? मेरा जी जलता है मित्रों, जी जलता है। उत्तर प्रदेश का युवा महाराष्ट्र जाकर महाराष्ट्र को समृद्ध करता है, गुजरात जाकर गुजरात को समृद्ध करता है, कर्नाटक जाकर कर्नाटक को समृद्ध करता है, वो युवा उत्तर प्रदेश को समृद्ध नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ सपा बसपा, बसपा सपा, सपा बसपा का क्रम आप लोगों ने बनाया है। जब तक उत्तर प्रदेश की जनता ये बुआ भतीजे की सरकार को क्रम बंद नहीं करेगी, तब तक यहाँ पर विकास नहीं आने वाला है। मित्रों, तब तक विकास नहीं आएगा। क्या नहीं है उत्तर प्रदेश में? क्यों विकास नहीं होता है? सब कुछ है उत्तर प्रदेश में, जाकर देख कर आइए मध्य प्रदेश, देख कर आइए गुजरात, देख कर आइए छत्तीसगढ़, देख कर आइए झारखंड, देख कर आइए महाराष्ट्र, देख कर आइए हरियाणा। आज हर गांव में बिजली पहुंच गई है, हर गांव में सड़क पहुंची है, हर गांव में फ्लोराइड विहीन शुद्ध पीने का पानी पहुंचा है, हर गांव में स्कूल बनी है, हर गांव में पब्लिक हेल्थ सेंटर बने हैं, लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट आता है, युवाओं को रोजगारी मिलती है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां लगी है। उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं आ, इन्होंने जाति की पॉलिटिक्स कर सब बर्बाद कर दिया। मित्रों, जब तक इस हॉल में बैठा हुआ एक एक युवा इस बार परिवर्तन की कसम खाकर नहीं जाता, मित्रों उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। मित्रों, ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अच्छी सरकारें नहीं आई। कल्याण सिंह की सरकार आई थी, कोई ये गुंडा जो है, गुंडा राज है ना, कोई जमीन पर नहीं दिखाई पड़ते थे
राजनाथ जी की सरकार आई, हर किसान का धान खरीदने का फैसला राजनाथ जी की सरकार ने किया था। जो है सपा बसपा, उनके उसमें कभी विकास नहीं हो सकता। मित्रों, अभी 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 राहुल बाबा, अरे सुनो भाई, अब मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। अभी अभी राहुल बाबा कांग्रेस को सजीवन करने जा रहे हैं, यात्रा निकालने वाले हैं, और नीतीश कुमार जी भी बिहार से पूर्वांचल में हर रोज आते हैं। मैं आपको बता देता हूं भैया, उत्तर प्रदेश की जनता को आगाह करना, ये नीतीश कुमार और राहुल बाबा की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, दोनों वोट कटवा पार्टी है, वोट कटवा पार्टी। ये सरकार नहीं बना सकते। 10 साल तक सपा ने उनका समर्थन किया, बसपा ने उनका समर्थन किया, उसका ऋण उतारने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए और सपा बसपा को जिताने के लिए दोनों मैदान में उतरे हैं। आप मानते हो कांग्रेस पार्टी की सरकार बन सके? मानते हो भैया? नीतीश कुमार जी का यहाँ क्या है भाई, बताओ तो, है कुछ? ये दोनों वोट कटवा पार्टी है। उत्तर प्रदेश की जनता सावधान रहे, ये सपा बसपा को फिर से लाना चाहते हैं। मित्रों, आप चाहते हो सपा बसपा फिर से आए? चाहते हो? मित्रों, इससे उत्तर प्रदेश की जनता को सावधान करना पड़ेगा। विकास कानून और व्यवस्था अच्छे करे बगैर नहीं हो सकता। जिस प्रदेश के अंदर मथुरा जैसी जगह पर दिन दहाड़े पुलिस के थानेदार की हत्या हो जाए, वो पुलिस जनता की क्या रक्षा करेगी? मित्रों, कभी नहीं कर सकते। बुलंदशहर के अंदर माँ और बेटी पर सामूहिक बलात्कार हो जाए और इनकी इनके सर पर जू भी नहीं रहती है, इस प्रकार की संवेदन विहीन सरकार हो गई। मित्रों, और ये लोग हर रोज नाटक कर रहे हैं, ये लोग हर रोज नाटक करते हैं। शिवपाल जी गएंगे, अफजल अंसारी आएगा, अखिलेश कहेंगे नहीं आएगा, नेताजी कहेंगे आएगा। ये नूरा कुश्ती से आप लोगों को समझ जाना चाहिए। अरे अखिलेश, क्या अफजल अंसारी अफजल अंसारी लगाया है? अफजल न भी आए तो अतिक खान का क्या करोगे? आजम खान का क्या करोगे? सारे भरे पड़े हैं आपके यहाँ, क्या करोगे उनका? उत्तर प्रदेश की जनता को मूर्ख बनाना बंद करो। एक और आजम, अमता, अफजल, अतीक बैठे हैं, और दूसरी ओर कौन बैठे है बताओ भाई? नसीमुद्दीन बैठे हैं। ये नीलज लोगों ने जिस प्रकार के नारे लगाए एक छोटी सी बिटिया के लिए, उसको उत्तर प्रदेश की महिलाएं माफ न करें। मित्रों, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक और खाई है, एक और कुआ है। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए एक और खाई है, एक और कुआ है। एक और आजम खान, अफजल अंसारी, अतीक अहमद है, दूसरी ओर नसीमुद्दीन है। यहाँ आ जाओ भैया, यहाँ कुछ नहीं है, सब अच्छा ही अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के कोई गुंडाओं के आधार पर चुनाव जीतना नहीं चाहती है, हम जनता के समर्थन के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं। मित्रों, जनता के समर्थन पर चुनाव। मित्रों, अखिलेश बाबू ये भी पूछ रहे थे कि भाई यूपी को क्या दिया मोदी जी ने। अखिलेश बाबू, मैं कहता हूं पूरा हिसाब देने का समय नहीं है, काफी समय चला गया आपकी कथा सुनाते सुनाते, मगर मैं कहता हूं यूपी को क्या दिया? 13वां फाइनेंस कमीशन था, जिसमें आपकी समर्थन वाली सरकार चल रही थी,
उसने उत्तर प्रदेश को 2.80 लाख रुपया दिया था और 14वां फाइनेंस कमीशन जो आया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मोदी जी की सरकार में, उसमें 7.10 लाख करोड़ दिया है, 5 लाख करोड़ रुपया ज़्यादा दिया है। अब अखिलेश बाबू मुझे पूछ रहे थे आप कि नरेंद्र मोदी ने क्या दिया यूपी में, मैंने कह दिया ये 5 लाख करोड़ का हिसाब दो अखिलेश भैया, कहाँ गया, किस प्रकार से बंटवारा करा, जनता तक क्यों नहीं पहुंचा। मित्रों अखिलेश, ये बुआ जी हमारा हिसाब मांग रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत का संविधान जिस प्रकार से बना है उसमें पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य की है, केंद्र की, जोर से बोलो, बिजली पहुंचाने की जिम्मेदारी राज्य की है, केंद्र की, सड़क बनाने की जिम्मेदारी राज्य की है, केंद्र की, गटर बनाने की जिम्मेदारी राज्य की है, केंद्र की, शिक्षा की जिम्मेदारी राज्य की है, केंद्र की, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी राज्य की है, केंद्र की, रोजगार की जिम्मेदारी राज्य की है, केंद्र की, उद्योग लाने की जिम्मेदारी राज्य की है, केंद्र की, विकास करने की जिम्मेदारी राज्य की है या केंद्र की। तो अखिलेश हमसे क्या हिसाब मांगते हो, हमने तो 5 लाख करोड़ रुपया ज्यादा दे दिया, आप विकास नहीं कर पाए, जो लूट खसोट चला कर रखी है, विकास होने वाला भी नहीं है। मित्रों एक ऐसी सरकार बनाइए, एक ऐसी सरकार बनाइए जो नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करे, मित्रों मजबूत करे, एक ऐसी सरकार बनाइए, एक ऐसी सरकार बनाइए जो नरेंद्र मोदी 100 रुपया भेजे, एक ऐसी सरकार बनाइए जो नरेंद्र भाई 100 रुपया भेजे तो 125 रुपये का काम यहां पर करे, ऐसी सरकार बनाइए। मित्रों उत्तर प्रदेश के अंदर जिस प्रकार का वातावरण है उसमें विकास संभव नहीं है, परिवर्तन करना पड़ेगा। मित्रों आज मैं आपको सिर्फ भाषण सुनाने नहीं आया हूं, आप ऐसा मत सुनिएगा, समझिएगा कि मनोरंजन का कार्यक्रम है, बिना टिकट की फिल्म देख रहे हैं आप, ऐसा मत समझिएगा। मैं आपसे मांगने आया हूं आप सभी लोग शहर में रहते हैं, पढ़ाई लिखाई प्राप्त करे हैं, पूर्वांचल के गरीब के आंसू पहुंचने की जिम्मेदारी आप लोगों की है या नहीं है, मित्रों बताओ है या नहीं है। जिस गरीब को 2 टंक रोटी नहीं मिलती है उसको खाना पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सब की है, जिसके घर में बिजली नहीं पहुंची है उसके जिम्मेदारी हम सब की है, जिसको मजदूरी नहीं मिलती है, पत्नी को और बूढ़े माँ बाप को छोड़कर मुंबई जाकर टैक्सी चलाता है, उसको फिर से उत्तरांचल में लाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है। मित्रों उसके खेत में पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, इसके बेटे को पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है, उसके बेटे को डॉक्टर इंजीनियर आईएएस बनाने की जिम्मेदारी हमारी है, और हमारी है इसलिए यहां से आज एक तरह का तूफान लेकर जाइए युवाओं और फैल जाइए उत्तर प्रदेश के अंदर और उखाड़ कर फेंक दीजिए सपा की सरकार को, उखाड़ कर फेंक दीजिए। जब तक ऊपर और नीचे दोनों जगह भाजपा सरकार नहीं आती उत्तर प्रदेश का विकास नहीं होने वाला है, मित्रों नहीं होने वाला है। और मैं आज अंत में आप सबसे पूछने आया हूं कि परिवर्तन के लिए आप सब लोग आज संकल्प लेते हैं, जरा जोर से बोले, लेते हैं, ऊपर वाले भी लेते हैं, भाजपा सरकार बनाएंगे, 2/3 बहुमत से जिताएंगे, नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करेंगे, उत्तर प्रदेश में विकास लाएंगे, गरीबों के कल्याण के लिए काम करे ऐसी सरकार लाएंगे, तो मेरे हाथ साथ
दोनों हाथ खड़ा कर जोर से बोलिए, जोर से हाथ खड़ा करिए, मुट्ठी भींच कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।